रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि जो लोग मिसिंग हैं उनको अभी ढूंढा जा सके या जो लोग अभी भी नदी के अंदर हैं उनको खोजा जा सके। और इसके अलावा जो डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार जो लोग घायल हैं उनके लिए लगातार खड़ी हुई है, उनको जो बेस्ट से बेस्ट जो मेडिसिन है वो उनको दी जा रही है, बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो उनका किया जा रहा है। बिल्कुल, और जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी दर्शकों को, उसमें ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री रेस्क्यू टीम से मिलते हुए, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे मिलते हुए, और वहाँ पर जो तमाम टीमें लगी हुई हैं, जो बचाव दल के लोग हैं, जो विभिन्न फोर्सेस के लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिलते हुए बातचीत करते हुए, अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की नज़र शुरुआत से ही इस पूरे दुर्घटना पर, इस दुखद घटना पर रही, और उन्होंने लगातार इसमें जो सहायता का आश्वासन दिया, इसके साथ ही जो डायरेक्शंस दिए और जो विभिन्न एजेंसियों का समन्वय देखते हैं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना इसे कहा जा सकता है, दुखद कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से समन्वय से वहाँ पर एजेंसीज ने काम किया, जिस तरह से वहाँ पर राहत और अभियान चला, उसे कितना बड़ा कदम देखते हैं? देखिए बिल्कुल रमा, ये वो लोग हैं जो लगातार दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बिना सोए बिना रुके लगातार 24 घंटे वहां पर काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री उन सभी लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, चाहे वो नेवी के लोग हों, चाहे वो जो आर्मी के लोग हों, और इसके अलावा स्थानीय लोग भी हैं आप अगर देखें तो, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं, स्वामी नारायण एक मंदिर है उस साइट के बगल में जहां पर ये हादसा हुआ था, उस मंदिर के निर्माण का काम चल रहा था और बड़ी संख्या में वहां पर जो लेबर थी, और इसके अलावा स्वामी नारायण जो मंदिर के जो सेवक थे वो वहां मौजूद थे, और जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले यही लोग रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंचे, और इन लोगों ने बड़ी संख्या में करीब 100 से 150 के करीब जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया था नदी से, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हुए, और जब प्रधानमंत्री रेस्क्यू टीम से मुलाकात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक मोरल बढ़ता है रेस्क्यू टीम का, और एक हौसला मिलता है कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री उनसे मिल रहा है, देश का प्रधानमंत्री उनकी जो जो वस्तु स्थिति है उसको जान रहा है, दिन रात जो व्यक्ति काम कर रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री देता है, तो निश्चित तौर पर रमा एक हौसला भी बढ़ता है और एक एक नई कह सकते हैं कि एक नई ऊर्जा भी उस रेस्क्यू टीम में मिलती है, और वो उस नई ऊर्जा के साथ फिर दोबारा से जो रेस्क्यू है वो शुरू करता है। रमा बिल्कुल, जज्बे को मजबूत करता है और जो जिम्मेदारी की भावना को और भी ज्यादा प्रबल करता है जब प्रधानमंत्री स्वयं दिशा निर्देश देते हैं, स्वयं मिलते हैं और स्वयं समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की वहाँ पर स्थिति है, क्या कुछ वहाँ पर हो सकता है, किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह से उनसे निपटा जा सकता है, इन पर प्रधानमंत्री जब स्वयं शामिल होते हैं। तो ये जो पूरी दुर्घटना रविवार को हुई थी, नीरज आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी दुर्घटना थी, बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर था, उसमें तमाम एजेंसीज ने किस तरह से काम किया, किस तरह से वहाँ पर राहत और बचाव काम चला, किस तरह से अब भी चल रहा है, कितने लोगों को वहाँ पर निकाला जा चुका है, और इसके साथ ही लगातार जो प्रधानमंत्री के निर्देशन में वहाँ पर काम हुआ है उससे राहत और बचाव काम में कितनी तेजी आई और कितनी कुशलता से एक बड़ा चैलेंज ये जो था इससे निपटा जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है 6:30 बजे का उस समय रमा समय था और रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर वहां पर पहुंचे थे और संडे को सेलिब्रेट करने के लिए, और इस समय अगर आप देखें दीपावली के बाद का जो समय है यहां पर एक तरह से नव वर्ष की शुरुआत होती है, जो लोग हैं जो व्यापारी कारोबारी लोग हैं वो सब लोग छुट्टियां मनाने के लिए घरों से बाहर निकल जाते हैं, और इसी तरह का जो माहौल है वो मोरबी में था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, और जब ये हादसा हुआ 6:30 बजे के करीब ये घटना थी, और उसके 15 से 20 मिनट के अंदर ही वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो गया। अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू होता, हालांकि सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ही बचाने की जो कोशिश है वो की, लोगों की जो साइट में जो लोग गिरे चूंकि वहां पानी का लेवल कम था उनको निकाल लिया गया, लेकिन बीच में 30 फुट के करीब पानी का लेवल है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर दलदल भी है,
जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो कैजुअल्टी है वो हुई। उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बात की, मोरबी के जो विधायक हैं उनसे उन्होंने बात की, पंचायती राज मंत्री भी हैं वो, और वो यहाँ पर मौके पर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को उन्होंने तुरंत सूचना निर्देश दिए कि तत्काल वो घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री तुरंत रात को ही यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंच गए थे और उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंच गई। उसके बाद जो नेवी के गरुड़ जो ऑफिसर हैं, खासतौर से जो जवान हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनको यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उनको तैनात किया गया। एसडीआरएफ की जो टीम थी वो लगातार यहाँ पर खोजबीन कर रही थी। गोताखोर हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया ताकि जो रेस्क्यू है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी रमा ना रहने पाए, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको बचाया भी गया, लेकिन एक बड़ी संख्या इस बात की भी है कि इस हादसे का शिकार भी हो गई, क्योंकि अभी तक जो जानकारी हमें मिली है 135 के करीब जो लोग हैं इस हादसे का शिकार हो गए, और कुछ लोग हैं अभी जिनको खोजने का काम जमा अभी भी किया जाता है। जो एजेंसियां वहां पर इस काम में लगी हुई हैं, जो बचाव दल वहां पर लगे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ संभावनाएं वो जता रहे हैं? देखिए, चैलेंज है वहां पर रेस्क्यू करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो पानी का लेवल है, दूसरा नीचे दलदल है। जब लोग उस पुल से नीचे गिरे होंगे तो पुल का जो मलबा है जो कह सकते हैं वो भी उन्हीं के साथ नीचे गिरा होगा, तो नीचे हिस्सा दलदल का हिस्सा है, उसमें भी संभावना है कि कुछ लोग उस दलदल में हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नदी का पानी उतना साफ नहीं है, क्लीन पानी नहीं है, ब्लैक पानी है, जिसकी वजह से नीचे देखने में अगर कोई डाइव लगाता है नीचे गोताखोर तो उसको नीचे देखने में भी दिक्कत होती है। हालांकि लाइट लेके जरूर वो लोग नीचे जा रहे हैं लेकिन उतनी विजिबिलिटी नीचे नहीं है, उसकी वजह से भी एक चुनौती सामने आती है। और तीसरी चुनौती यह है कि उस नदी के आसपास खर पतवार भी काफी ज्यादा है, और जिसकी वजह से ये भी संभावना है कि कुछ जो लोग मिसिंग है वो हो सकता है कि उस खर पतवार के नीचे फंस गए हों, तो वहां से भी खोजने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये सारी जो चुनौतियां, इसके साथ ही जो 30 फुट के करीब पानी है उसको निकालने के लिए सामने एक छोटा सा डैम है जो खासतौर से इस पानी के रास्ते को रोकता है, तो उस डैम को तोड़ा जा रहा है। बीच बीच में ब्लास्ट भी उसमें किए गए हैं और जेसीबी लगाकर उस रास्ते को खोला जा रहा है ताकि पानी का जो लेवल है उसको कम किया जा सके और जो रेस्क्यू है उसमें और तेजी लाई जा सके। तो ये तमाम चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कोऑर्डिनेशन के साथ, एक के बाद एक टीम वहां पर रेस्क्यू कर रही है अलग अलग जगह को फोकस करके, उम्मीद की जा रही है कि जो लोग मिसिंग है उनको भी जल्द खोज लिया जाएगा।